हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल्स, यानी कि जो एल्कली मेटल्स होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। तो देखिए, फर्स्ट यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी है साइज ऑफ एटम्स एंड आइंस, यानी कि एटम्स और आइन का साइज। तो देखो ये क्या है, दीज एटम्स आर लार्जेस्ट इन देयर करस्पॉन्डिंग पीरियड, यानी कि ये जो एल्कली मेटल्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये साइज में लार्जेस्ट होते हैं अपने करस्पॉन्डिंग पीरियड्स में। इनका एटॉमिक और आयनिक साइज इंक्रीज होता है फ्रॉम लिथियम टू फ्रांसियम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर हम लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम अगर हम इस तरीके से चलते हैं तो जो इनका एटॉमिक साइज है और साथ ही साथ जो इनका आयनिक साइज है वो क्या होता है, वो इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि जब हम इस तरीके से चलते हैं तो इनमें नंबर ऑफ जो एक्स्ट्रा सेल्स हैं, जो एक्स्ट्रा सेल्स की प्रेजेंस है वो क्या होती है, वो भी इंक्रीज होती है। यहाँ पर दे रखा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक्स्ट्रा सेल इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंट होती है यहाँ पे, इसलिए जो इनका साइज है एटम्स का और आयंस का वो क्या होता है, वो इंक्रीज होता है फ्रॉम लिथियम टू फ्रांसियम। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में दे रखा है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अब इनका यहाँ पे मैंने लिख रखा है ये एटॉमिक रेडी और यहाँ पर लिख रखा है आयनिक रेडी। तो अगर एटॉमिक रेडी की बात करें तो वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। इसका 1.23, इसका 1.57, इसका 2.03, मतलब इंक्रीज हो रहा है। और अगर इसके हम आयनिक रेडी की बात करें तो आयनिक रेडी इसकी बात करें तो वो भी यहाँ पर 0.60, 0.90, 1.33, मतलब ये भी इंक्रीज हो रही है। तो ये है इसकी फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कि जो इनका एटॉमिक साइज है और आयनिक साइज है वो क्या होता है, वो इंक्रीज होता है अगर हम लिथियम से फ्रांसियम की तरफ चलते हैं तो। ठीक है, अब देखिए सेकंड जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है डेंसिटी। जो हमारी एल्कली मेटल्स होती हैं इनकी डेंसिटी लो होती है, यानी कि इनकी लो डेंसिटी होती है। क्यों, कैसे होती है देखते चलो। एल्कली मेटल्स आर लार्ज इन साइज, जो एल्कली मेटल्स होती हैं वो साइज में लार्ज होती हैं, तो इसकी वजह से जो ग्रुप वन के एलिमेंट्स हैं उनकी जो डेंसिटी होती है वो लो होती है, यानी कि जो एल्कली मेटल्स होती है उनकी डेंसिटी लो होती है। क्यों, क्योंकि ये साइज में लार्ज होते हैं तो इनकी जो डेंसिटी है वो लो होती है। अब बात करते हैं इसकी थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी की। तो इसकी थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी है आयनाइजेशन एनर्जीज। आयनाइजेशन एनर्जीज क्या होती हैं इसकी, तो देखो ड्यू टू देयर लार्ज साइज, इनके लार्ज साइज जो हमारी एल्कली मेटल्स होती हैं इनका लार्ज साइज होता है, इसकी वजह से जो इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है इज फार फ्रॉम द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस से दूर होता है। और जब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता है तो उसको इजीली रिमूव किया जा सकता है, इस वजह से जो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है, वो रिलेटिवली लो होती है, यानी कि देयर आयोनाइजेशन एनर्जी आर रिलेटिवली लो। तो इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जीज होती है वो क्या होती है, वो लो होती है। जैसे आप यहाँ पर एग्जांपल में देख सकते हैं, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, तो इसकी 5.4 है, इसकी फिर कम है 5.1, इसकी 4.3, इसकी 4.2, इसकी 3.9, मतलब कम होती आ रही है, यानी कि जो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है। फोर्थ इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट्स, यानी कि जो एल्कली मेटल्स होती हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है। क्यों, क्योंकि इनका सिर्फ एक, इनके पास सिर्फ एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, इसकी वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होता है। फिफ्थ फिजिकल प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जो अल्कली मेटल्स होते हैं यानी कि दीज मेटल्स आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, सो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दीज मेटल्स आर लो, यानी कि ये जो मेटल्स होती हैं ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, जिसकी वजह से इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो लो होती है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम इस तरीके से आएंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। ठीक है, सिक्स है बॉइलिंग पॉइंट। जो फिजिकल, जो हमारी एल्कली मेटल्स हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इनका बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होता है। तो ये है सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।